फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सभी की मनपसंद रेसिपी, जिसका नाम है बैच चाउमीन। और आज जो मैं बेस्ट चाउमीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही कम सामान से आप इसको बना लेंगे और बहुत ही कम समय में एकदम इंस्टेंट और झटपट बनने वाली रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं एक इजी और क्विक रेसिपी बेस्ट चाउमीन की। चाउमीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है चिंक्स के बैच हाका नूडल्स। ये मैंने लिए हैं 2 पैकेट। चिंक्स के हाका नूडल बहुत ही बढ़िया और टेस्टी होते हैं। इससे बनने वाली चाउमीन बहुत बढ़िया बनती है। ये आपको कहीं भी इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन भी हाका नूडल परचेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 2 पैकेट। चिंक्स वेज हक्का नूडल को आपको किस तरीके से उबालना है, इसका इंस्ट्रक्शन पीछे पैकेट पर भी दिया हुआ है। आप पैकेट पर से पढ़कर भी इसको बॉइल कर सकते हैं। वेज हक्का नूडल को बॉइल करने के लिए यहाँ मैंने लिया है कढ़ाई में 10 कप पानी, जिसे मुझे बढ़िया से बॉइल करना है। और ये देखिए, पानी में अच्छा उबाल आ रहा है, पानी बिल्कुल बढ़िया गर्म है। अब हम चिंक्स का वेज हक्का नूडल का पैकेट लेंगे। जल्दी से इसको हम करते हैं कट। इसको अब हम डालेंगे कढ़ाई में। तो मैंने दोनों ही चिंक्स हक्का नूडल को बॉईल होने के लिए रख दिया है और लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे बॉईल करना होगा कि ये थोड़ी पक जाए, थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज्यादा हम इसको बॉईल नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये स्टर फ्राई भी करनी है बाद में सब्जियों के साथ, तो ये वहां भी कुक होंगी। तो हमें इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट ही पकाना होगा कि इससे थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। नूडल्स हमारी बिल्कुल बढ़िया से बॉईल हो गई हैं। गैस को करेंगे ऑफ और नूडल्स को छन्नी की मदद से हम छानेंगे। मैंने नूडल को छान लिया है। अब हम तुरंत इस पर डालेंगे सादा पानी, जिससे कि जो कुकिंग प्रोसीजर है इसका वो अभी रुक जाएगा और ये ज्यादा कुक नहीं होंगी क्योंकि बहुत गर्म है। पानी निकल जाने के बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल और इसको हल्के हाथ से टॉस कर देंगे, जिससे सारे नूडल्स बिल्कुल खिली खिली हो जाएंगी, चिपकेंगी नहीं। ऑयल को इस तरीके से मिक्स कर देंगे और अब एक प्लेट पर इसको निकाल लेंगे। तो ये लीजिए, हाका नूडल्स हो गई हैं बॉईल होके तैयार। अब हम करते हैं बेस्ट चाउमीन बनाने की तैयारी झटपट। गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे, पैन को हल्का गर्म होने देंगे। इसमें हम डालेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल। अगर आप कम ऑयल में बनाना चाहते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे स्लाइस्ड अनियन। आप अपने मन की कोई भी वेजीज यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ डाल रही हूँ 4 कप के करीब मिक्स स्लाइस्ड वेजिटेबल्स। हाई फ्लेम पर हम सभी वेजीज को फ्राई करेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कैबेज स्लाइस्ड, रेड कैप्सिकम यानी लाल वाली शिमला मिर्च स्लाइस्ड, येलो बेल पेपर पीली वाली शिमला मिर्च, बहुत ही सुंदर रंग लगते हैं इसके चाउमीन में, अब हरी वाली शिमला मिर्च, सभी वेजिटेबल्स को बिल्कुल क्रंची रखना है, जिससे इसका रंग भी बना रहेगा और ये खाने में चाउमीन में बहुत बढ़िया लगेंगी। तो हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं हल्का सा। और जैसे मैंने बताया, सब्जियां आप अपने मन की स्किप और ऐड कर सकते हैं, जो भी आप डालना चाहते हैं वो इसमें और डाली भी जा सकती है। देखिए वेजीज का कितना सुंदर रंग लग रहा है, किसी का भी मन कर जाएगा। और चाउमीन तो ऑल टाइम फेवरेट चीज है सभी की। सब्जियों को यहाँ ध्यान रखिए, हमें बिल्कुल भी ढकना नहीं है। लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक के लिए हम इसको सिर्फ हल्का पकाएंगे। और इस स्टेज पर अब मैं इसमें डालूंगी हमारी बॉइल्ड चिंक्स की हाका नूडल। अब लाइटली हम इसको टॉस करेंगे यानी मिक्स करेंगे वेजीज के साथ। एक और स्पैटुला ले लेते हैं और 2 स्पैटुला की मदद से धीरे धीरे हम इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इस स्टेज पर मैं डाल रही हूँ चिंग्स सीक्रेट चाउमीन हक्का नूडल मसाला। बहुत ही बढ़िया टेस्ट मेकर, कोई भी झंझट नहीं चाउमीन बनाने में। हम इवन नमक तक का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इस मसाले में सब कुछ है। तो अब इसको झटपट से करते हैं कट।
इसके ऊपर अब हम डालेंगे चिंग्स का चाउमीन हक्का नूडल मसाला, जो बहुत ही टेस्टी है और बिल्कुल हमारा देसी चाइनीज पल भर में तैयार हो जाएगा। तो इतनी क्वांटिटी के लिए मैं डाल रही हूँ एक पैकेट। और अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी इसके ऊपर, लगभग 2 चम्मच। थोड़ा सा ही पानी हमें स्प्रिंकल करना होगा जिससे कि मसाला बढ़िया से नूडल्स में मिक्स हो जाए। और अच्छे से टॉस करेंगे मसाले को। दो स्पैटुला की मदद से हम बढ़िया से मसाले को भी मिक्स कर देंगे। हम स्टॉप करेंगे अब सिर्फ 3 से 4 मिनट के करीब। तो ये लीजिए तैयार हो गई, गैस को करते हैं और हमारी देसी चाइनीज बेस्ट चाउमीन, बहुत ही टेस्टी, बिना किसी झंझट वाली, बिना कोई मसाला उठाए, बिना किसी सॉस डाले, हमारी बहुत ही बढ़िया बेस्ट चाउमीन तैयार है। मैं इसको गार्निश कर देती हूँ थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन से और सर्व करते हैं गर्मा गर्म प्लेट में। और ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी चाउमीन तैयार हुई है। एंजॉय कीजिए चिंग्स चाइनीज की ये वेज हक्का नूडल। बहुत कम समय में बनने वाली, बहुत कम सामान से बनने वाली एक इजी सी रेसिपी बेस्ट चाउमीन की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप भी जरूर ट्राई करें और फटाफट से ये बढ़िया सी चाउमीन बनाएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमेशा की तरह लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल।